हाय फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एक्सटेंशन बोर्ड का। अगर हमारा स्विच या फैन का कोई सर्किट या स्विच ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे चेक करें कि कौन सा स्विच हमारा ख़राब हुआ है और सर्किट का कौन सा तार जुड़ा है जो मेन सप्लाई आई है, तो हमें कैसे पता चले कि ये सर्किट में कौन सा वायर लगाना है। जैसे कि हमारा फैन अभी चल रहा है, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा स्विच का कनेक्शन ये जल गया है। मान लीजिए हम इसको टेस्टर की मदद से इसको निकाल देते हैं। ये निकाल दिया, अब हमारा ये कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि यह हमारा स्विच का तार जल गया है और हमारी ये स्विच काम नहीं कर रही है, तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्विच का जो तार यदि इतने सारे हैं तो कौन सा स्विच का तार है। अगर दो तीन तार और एक्स्ट्रा होते हैं, मान लीजिए इस प्रकार लगे होते हैं, हम एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर कई सारे तार निकाल देते, तो आखिरकार उसको कैसे चेक करें कि यही हमारा स्विच वाला तार है जो जला है। तो इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड को खोलते हैं, जब खोलते हैं तो इस प्रकार पाते हैं। अब हमें एक LED बल्ब को होल्डर के साथ लगा लेना है। इस प्रकार करके एक तार होल्डर का एक वायर जो है तो मेन पावर सप्लाई से जोड़ देना है, जो जिस स्विच में जुड़ा है, एक वायर जो जुड़ा है स्विच में उसको, जिस प्रकार की इसमें ये जुड़ा है, तो हम इसमें एक तार डायरेक्ट होल्डर का जोड़ दिया है। अब इसके पश्चात हम दूसरा जो होल्डर का तार बचा है उसको हम चेक करेंगे, जितने वायर हमें यहाँ दिखाई देंगे एक्सटेंशन बोर्ड में एक एक करके, कौन सा जिसमें ये होल्डर जल जाएगा वही तार हमें इस स्विच में इस सर्किट में लगानी है। अब चेक कर रहे हैं हम कौन सा है। अब मान लीजिए एक वायर ये दिखाई दे रहा है और एक वायर ये दिखाई दे रहा है, हम स्विच को ऑन कर दिया। अब हम इसको लगा के देखेंगे कि इसमें जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है। देखिए इसमें जल रहा है, इसका मतलब कि ये वाला वायर हमें इस स्विच में लगाना चाहिए, तब तो सही है। इस प्रकार अगर फैन का या कोई और स्विच का हमारा ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इस प्रकार चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वायर है हमारी, ये मान लीजिए कि फैन का है, ये फैन का है, और दूसरा मान लीजिए ये TV का ब्लू कलर का। अब मान लीजिए इसमें फॉल्ट हो गया तो हम यहीं से चेक कर लेंगे। एक तार तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इसी प्रकार रहेगा। अब इन वायर में हम चेक करेंगे एक एक करके, ये जलने लगा, मतलब कि इसमें करंट आ रहा है, और ये वाला भी हमारा सही है। अब ये वाला तार बच्चा जो यहाँ से कनेक्शन इस स्विच में जोड़ देना है तो हमारा फैन चलने लगेगा। देखिएगा ये चलने लगा, इस प्रकार हम एक्सटेंशन बोर्ड को चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्किट का कौन सा तार किस में जोड़ना है।